हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बात करते हैं दोस्तों आज इस एक एम्पलीफायर की, जो आमतौर पे बसों में ड्राइवर गाने वगैरह सुनने के लिए यूज करते हैं। इस एम्पलीफायर की प्रॉब्लम क्या है कि इसके ये दोनों ट्रांजिस्टर आउटपुट वाले 30 पिचन जो लगे हुए जल गए हैं। तो बेसिकली इस ट्रांजिस्टर के सर्किट के बारे में बात करूंगा आपसे। तो चेक करने पे, अपने मल्टीमीटर से चेक करने पे, तो इसमें पता लग ही जाता है कि ये ट्रांजिस्टर जले हुए हैं। तो मैं सर्किट के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि इसका कौन सा पॉइंट कहां से कनेक्ट है। तो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को पॉजिटिव वोल्ट दिए गए हैं इस ट्रांसफार्मर के द्वारा। पॉजिटिव वोल्ट डायरेक्ट इस ट्रांसफार्मर के बीच की वाइंडिंग पे दिए जाते हैं इस पे, और इस वाइंडिंग से इस साइड पॉजिटिव वोल्ट निकलते हैं और इस साइड पॉजिटिव वोल्ट निकलते हैं। ये जो पॉजिटिव वोल्ट हैं वो इस ट्रांजिस्टर के बॉडी कलेक्टर है, और एक तार इन दोनों में से, एक तार इस ट्रांजिस्टर पे कलेक्टर पे और एक तार इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे जाती है। उसके बाद में इस ट्रांजिस्टर का एमिटर वोल्टेज जो दिए जाते हैं वो इन दो बड़ी रेजिस्टेंसों के द्वारा, जिनकी वैल्यू मात्र कुछ ओम में होती है, जैसे 2.2 ओम, ऐसे ये 2 वाट की रेजिस्टेंस होती है इसके द्वारा। अब इसका बेस जो है वो आगे सर्किट में इस ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ा जाता है। इस ट्रांसफार्मर के द्वारा इस ट्रांजिस्टर को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही सप्लाइयां सेंटर वाले पॉइंट पे इसके दी जाती है, और साइड वाले एक पॉइंट से ये ट्रांजिस्टर जोड़ा जाता है, एक पॉइंट से ये ट्रांजिस्टर जोड़ता है। इसके इस साइड में 3 पॉइंट बने होते हैं, बीच वाले पॉइंट पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सप्लाइयां दी होती हैं। आमतौर पे ये ट्रांजिस्टर का बेस डायरेक्ट जो है इस ट्रांसफार्मर से जोड़ा जाता है, लेकिन इस सेट में क्या है कि उस ट्रांजिस्टर के बेस को पहले इन ट्रांजिस्टरों के साथ जोड़ा गया है, जो इस ट्रांजिस्टर के बेस को पहले इस ट्रांजिस्टर के साथ जोड़ा गया है और इस ट्रांजिस्टर के बेस को इस ट्रांजिस्टर के साथ जोड़ा गया है। बेस पहले इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पे आता है और कलेक्टर को, इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को यही जो सप्लाइयां इस ट्रांजिस्टर कलेक्टर को जा रही हैं वही सप्लाइयां इस ट्रांजिस्टर कलेक्टर को डायरेक्ट दी जाती हैं। यानी इनका, इसका कलेक्टर और इन ट्रांसफार्मर का कलेक्टर एक ही जगह डायरेक्ट ज्वाइंट किए होते हैं, जो इस ट्रांसफार्मर के द्वारा पॉजिटिव सप्लाई निकल रही है उस पे। इस कलेक्टर, इस पॉजिटिव सप्लाई पे जो ट्रांसफार्मर जोड़ा जाता है उस ट्रांसफार्मर को इस ट्रांसफार्मर का बेस दिया जाता है एमिटर को, और एमिटर के ऊपर से इसको नेगेटिव वोल्ट देने के लिए एक रेजिस्टेंस लगाई जाती है। क्योंकि इसका नेगेटिव वोल्ट, अगर इसका एमिटर अगर डायरेक्ट अपने जोड़ देंगे तो ये ट्रांजिस्टर वर्क करेगा, लेकिन इसका बेस जो है, इस ट्रांजिस्टर का बेस है, उसको पूरा नेगेटिव वोल्ट अपने दे देंगे तो इस ट्रांजिस्टर का काम खत्म हो जाएगा और ये जल जाएगा। तो इसको बेस को वोल्टेज, इसको ट्रांजिस्टर के बेस के वोल्टेज लिमिट करने, लिमिटिंग करने के, लिमिट करने के लिए एक बेस के लिए लिमिटिंग रेजिस्टेंस ले जाई जाती है 100 ओम की, जो अक्सर इन ट्रांजिस्टरों के शॉर्ट होने की वजह से जल जाते हैं। इस ट्रांजिस्टर का क्या है, ये कलेक्टर और बेस, ये अगर शॉर्ट हो जाए तो इस कलेक्टर पे दी जाने वाली पॉजिटिव सप्लाई जो है वो बेस में एंट्री होती है, और ये बेस क्योंकि इस रेजिस्टेंस के एक सिरे से जुड़ा होता है और रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा नेगेटिव से जुड़ा होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के बीच में इस रेजिस्टेंस के आने से ये रेजिस्टेंस जल जाती है। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 100 ओम, ध्यान से देखिएगा, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 100 ओम, क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस होती है, आप 8 वाट भी लगा सकते हो। और ये जो ट्रांजिस्टर है ये दोनों एक ही नंबर के ट्रांजिस्टर PNP लगाने चाहिए, जैसे D4007, D400, BD139, 2999 ऐसे। तो इस सेट में क्या दोस्तों, ये दोनों ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गए, ये दोनों ट्रांजिस्टर मैंने चेंज करूंगा अभी, और ये ट्रांजिस्टर जी इनमें से एक ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया था ये, और ये ट्रांजिस्टर सही था,
लेकिन ये दोनों रजिस्ट्रेशन जल गई थी। अगर एक रजिस्ट्रेशन जली हो एक सही हो तो अपने देख लेते हैं कि भाई ये रजिस्ट्रेशन की वैल्यू है, सेम सर्किट है तो ये रजिस्ट्रेशन की वैल्यू यहाँ लगेगी, तो अपने ऐसे लगा देते हैं। लेकिन इसमें क्या है, दोनों रजिस्ट्रेशन जल गई थी, तो इस कंडीशन में अपने को ऑप्शन यही रहता है कि अपने को कहीं से इस रजिस्ट्रेशन की वैल्यू पता लगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस रजिस्ट्रेशन की वैल्यू 100 ओम है, जो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को एमीटर को नेगेटिव वोल्ट देती है और इसके बेस को लिमिटिंग नेगेटिव वोल्ट देती है। तो इतना ही आज के इस वीडियो में दोस्तों, बाकी डिटेल से मैं अगले वीडियो में आपसे कुछ बातें सैम्पलीफायर के बारे में और शेयर करूंगा। धन्यवाद।